तो तस्वीरें देख सकते हैं नरेंद्र सांगवान का गांव गक्सीना पहुंचने पर काफी जोरदार तरीके से स्वागत होता हुआ नजर आ रहा है। ट्रैक्टरों पर, सैकड़ों ट्रैक्टरों पर जोरदार तरीके से स्वागत हो रहा है। टिकट मिलता है कम से कम 2 करोड़ रुपये 50 घाटी इलेक्शन में पूरा गांव गक्सीना खर्चा उठा हुआ 2 करोड़ रुपये और 50 घाटी देंगे हम अपने पूरा गांव इकट्ठा हो गए। गांव गक्सीना में आप देख सकते हैं नरेंद्र सांगवान का काफिला इस समय पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो ट्रैक्टरों पर सवार होकर पहुंचे हैं। और इस समय नरेंद्र सांगवान की जो ट्रैक्टर यात्रा है वो गांव गक्सीना में पहुंची है। तो गक्सीना गांव के बड़े बुजुर्ग आप देख सकते हैं 36 बिरादरी का जो लोग हैं वो पगड़ी पहनाकर इस समय नरेंद्र सांगवान का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। कश्यप समाज की तरफ से भी आप देख सकते हैं गक्सीना गांव में नरेंद्र सांगवान का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। तो लड्डू से तोलकर आप देख सकते हैं विधायक का स्वागत किया जा रहा है। लड्डुओं से तोलकर विधायक नरेंद्र सांगवान का स्वागत किया जा रहा है गांव गक्सीना में, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। गांव गक्सीना जिंदाबाद, दादा काले पीर की जय, नगर खेड़े की जय, भाई नरेंद्र सांगवान की जय, समाज समाज की जय। तो लड्डुओं से तोलकर गांव गक्सीना में भी खिलाकर गांव गक्सीना के जो लोग हैं वो गर्म जोशी से स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। लड्डुओं से तोला गया। तो तस्वीरें देख सकते हैं नरेंद्र सांगवान का गांव गक्सीना पहुंचने पर काफी जोरदार तरीके से स्वागत होता हुआ नजर आ रहा है। ट्रैक्टरों पर, सैकड़ों ट्रैक्टरों पर जोरदार तरीके से स्वागत हो रहा है। तो नरेंद्र सांगवान जी इस समय यहाँ पर मौजूद है। सांगवान जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? ट्रैक्टर पर सवार होकर बैठे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए मिट्टा जी, आज आप देख रहे हैं गांव गक्सीना में कितना जोश है। पूरा गांव सड़कों पर है, ट्रैक्टर लेके लगभग 200 के करीब ट्रैक्टर यहाँ पे आज गक्सीना के सभी मेरे साथी लेके आए हैं और पूरे जोरदार तरीके से गाँव में पहुँचने पर स्वागत कर रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश में चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं और कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में बढ़ने जा रही है। आज इसी तरह का जोश आपको हर गांव में देखने को मिलेगा, पूरे हरियाणा प्रदेश में देखने को। नरेंद्र सांगवान को गरोंडा विधानसभा से टिकट मिल रही है, पार्टी हाईकमान इस पे भी जल्दी फैसला करेगी। सर्वे होके जा चुका है, नाम सबके पहुँच चुके हैं, जल्दी आपको इसी महीने के अंदर अंदर टिकट डिक्लेयर करेगा पार्टी हाईकमान। विधानसभा के गांवों से कितना साथ मिल रहा है आप देख लो, कितना बढ़िया साथ मिल रहा है। हम जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं लोग दिल से सहयोग कर रहे हैं, पूरा साथ दे रहे हैं, पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं। गक्सीना गांव में 8 पाने हैं, 8 के 8 पाने आज सड़कों पर हैं, ट्रैक्टर लेके अपने अपने सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टरों पर सवार होकर नरेंद्र सांगवान इस समय आप देख सकते हैं गांव गक्सीना से निकल रहे हैं, जहां पर पूरे गर्मजोशी से इस समय नरेंद्र सांगवान का स्वागत होता हुआ नजर आ रहा है। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों की लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। चुनावी माहौल हरियाणा में शुरू हो चुका है और विधायक आप देख सकते हैं गांव गक्सीना की तरफ इस समय रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ आप देख सकते हैं उनका गांव गक्सीना पहुंचने पर जोरदार तरीके से स्वागत होता हुआ नजर आ रहा है। तो ट्रैक्टरों पर सवार है नेताजी, आप देख सकते हैं ट्रैक्टरों पर सवार है, गांव गक्सीना पहुंचने पर गर्म जोशी से स्वागत किया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं।
बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर आपको नजर आ रहे होंगे। गांव गक्सीना में पहुंचने पर नरेंद्र सांगवान का जो गरोंडा विधानसभा से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, टिकट मिल सकती है। गांव गक्सीना पहुंचने पर पूरे गर्मजोशी से गक्सीना गांव के लोग इस समय स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। एक विशाल ट्रैक्टर यात्रा ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है। गांव गक्सीना में आप देख सकते हैं नरेंद्र सांगवान का काफिला इस समय पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो ट्रैक्टरों पर सवार होकर पहुंचे हैं, और इस समय नरेंद्र सांगवान की जो ट्रैक्टर यात्रा है वो गांव गक्सीना में पहुंची है। चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, सालों से कांग्रेस में हैं और गोरोंडा विधानसभा से हर संभव कोशिश भी कर रहे हैं। आप देखना होगा कि आखिरकार पार्टी किसको टिकट देती है और कौन गरोंडा से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ता है। तो आप देख सकते हैं गांव गक्सीना में उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस समय यहां पर पहुंचे हुए हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप गांव गक्सीना से देख सकते हैं। नरेंद्र सांगवान पूर्व विधायक हैं, गरोंडा विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी अब उनको टिकट देती है ये बहरहाल अब कुछ ही दिन में क्लियर हो जाएगा क्योंकि उम्मीदवार बहुत हैं। लेकिन बड़ी भीड़ जुटती हुई नजर आ रही है उनके कार्यक्रम में, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं गक्सीना गांव में पहुंचने पर पूर्व विधायक व कांग्रेसी नेता नरेंद्र सांगवान का गर्मजोशी से स्वागत किया जा रहा है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कैसे फूल मालाएं डालकर पूर्व विधायक नरेंद्र सांगवान का गक्सीना गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं और पैर छूकर नरेंद्र सांगवान भी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा में चुनावी माहौल, चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है और ऐसे में जितने भी जो टिकटार्थी हैं, जिनको चुनाव लड़ने की इच्छा है, जो रेस में आगे हैं, उन्होंने अभी से अपने चुनावी प्रचार तेज कर दिए हैं। गरोंडा के गक्सीना गांव से इस समय आप वीडियो देख सकते हैं जहां पर कांग्रेसी नेता व पूर्व विधायक नरेंद्र सांगवान इस समय गांव गक्सीना पहुंचे हैं, जहां पर गर्मजोशी से नरेंद्र सांगवान का जोरदार स्वागत किया जा रहा है, जिसकी लाइव वीडियो इस समय सीधा गक्सीना गांव से आप देख सकते हैं। तो गांव गक्सीना में आप देख सकते हैं क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, हर कोई इस समय पूर्व विधायक नरेंद्र सांगवान के स्वागत के लिए यहां पर पहुंचा हुआ है। भाई नरेंद्र सांगवान जिंदाबाद, भाई नरेंद्र सांगवान जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, भाई नरेंद्र सांगवान जिंदाबाद। यो सारा हलका कहरा फसे के माज लगाया, यो सारा हलका कहरा बस एक आवाज लगाया, आजना पटन दबावांगे ना उनका कदम हटावांगे, नरेंद्र विजय बनावांगे, सारा हलका कहरा बस एक आवाज लगाया, यो सारा हलका कहरा एक आवाज लगाया, पकड़ दबावांगे उल्टा कदम हटावांगे, नरेंद्र में जतावांगे। ये हमारे दादाजी कीर्तन जी क्या रूपे से आशीर्वाद देते हैं, जिनकी गहराई नरेंद्र सांगवान लगाया, मिल का
अलावा नारा अजंता का एक इशारा तो गक्सीना गांव के बड़े बुजुर्ग आप देख सकते हैं, 36 बिरादरी का जो लोग हैं वो पगड़ी पहनाकर इस समय नरेंद्र सांगवान का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। कश्यप समाज की तरफ से भी आप देख सकते हैं गक्सीना गांव में नरेंद्र सांगवान का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। वाल्मीकि समाज की तरफ से भी आप देख सकते हैं इस समय पगड़ी पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। नरेंद्र सांगवान, नरेंद्र सांगवान, नरेंद्र सांगवान। अब मैं किस के मुख्य अतिथि का अपने समाज की तरफ से पगड़ा पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करें किशन दीवान जी। अब मैं समाज की तरफ से रोहतास जी करूंगा कि वो जोरदार तालियां भाई शहर समाज की तरफ से हरिजन समाज की तरफ से रोहतास जी से अनुरोध करूंगा। रोहतास जी जय भगवान जी है प्रजापति समाज से आए हुए अब हमारे एक्स जिला परिषद के चेयरमैन भाई नरेंद्र सांगवान मंत्री बनोगे, आपकी